चलिए अब मध्य प्रदेश बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में बीजेपी की लिस्ट सामने होगी। बीजेपी की पांचवी सूची में 92 नाम शामिल होंगे। 2 सीटों को होल्ड किया जा सकता है। 1 दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे। बंसल न्यूज पर पहले से ही हम आपको संभावित उम्मीदवार भी बता रहे हैं। तो देखिए बीजेपी की लिस्ट अब से थोड़ी ही देर में सभी के सामने होगी। और देखिए लिस्ट में 92 नाम शामिल होंगे, 94 सीटें बची हुई है, लेकिन 2 सीटों को अभी होल्ड किया जा सकता है। वो सीटें भी आपको बताएंगे कि कौन सी वो सीटें हैं जिनको होल्ड किया जा रहा है, इनके पीछे का क्या कारण है ये भी आपको बताएंगे। 1 दर्जन सिटिंग विधायकों के आपको बता दें कि टिकट भी कहीं रहा, सर्वे में उनका नाम नहीं सामने आया, जिसके बाद विधायकों की टिकट भी कटने जा रही है। और चलिए अपडेट लेंगे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आपसे थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद सभी के सामने बीजेपी की पांचवी सूची होगी। देखिए 12 बजे तक आ जाना चाहिए। लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी। नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधा उनका रुख करते हैं। चलिए ठीक है मनोज जी, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपना सवाल दोहराइए जी। मनोज जी, जिस तरीके से हम कह रहे हैं लगातार बंसल न्यूज पर, सबसे पहले हम बता रहे हैं सिटिंग विधायकों के टिकट भी कटेंगे, कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, मंत्रियों के टिकट पर भी खतरा है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि आपसे थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद लिस्ट सामने आएगी, बंसल न्यूज की खबर पर फिर मोहर लगेगी। बिल्कुल लगेगी, मोहर लगेगी, बल्कि जो नाम हम दिखा रहे हैं वो संभावित नाम है और इस सूची में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए कि 2 नाम जरूर कम हो सकते हैं जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, गुना और विदिशा को होल्ड किया जा सकता है। 92 नाम होंगे इस सूची में, 2 नामों को मुझे लगता है फिर उसके 1-2 दिन बाद कहीं उनके ऊपर कुछ चीजें बनी हुई, कुछ राजनीतिक कारण है जिसके कारण उनको रोका जा सकता है। लेकिन ओवरऑल हम चाहे होशंगाबाद की बात करें, जिसे नमदापुर कहते हैं, उज्जैन उत्तर की बात करें, टीकमगढ़ है, मांधाता है, या फिर हम बात करें 5 नंबर जो इंदौर का है उसकी बात करें, तो जो नाम हम दिखा रहे हैं वो नाम उस सूची में नजर आने वाले हैं लगभग, ये संभावना दिल्ली के सूत्रों से जो खबरें हैं। एक और कुछ नाम मैं और आपको बता सकता हूं, जैसे नारायण कुशवाहा के नाम की भी लगभग इस सूची में नजर आने वाले हैं, जो ग्वालियर पूर्व से, ग्वालियर पश्चिम से लड़ते हैं, तो उनका, और प्रदीप जायसवाल जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं 12 सिवनी से, उनके नाम बिल्कुल इसमें दिखाई देंगे। तौथर से सिद्धार्थ तिवारी का नाम बिल्कुल तय है जो इस सूची में नजर आने वाला है। केपी सिमरिया से बिल्कुल, मनोज जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हमारे संवाददाता सूरज ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। तुम सब एक घंटा आ जाओ, सूची आने वाली। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है, सारा विचार विमर्श हो चुका है, जल्दी ही सूची जारी होगी और ये 94 कैंडिडेट भी अपने काम पर लगेंगे। सर ये इंतजार खत्म है, कुछ देर बाद ही सूची आ जाएगी। हाँ मुझे लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक साथ 94 सीटें कुछ होल्ड करेंगे। कांग्रेस में बड़ा घमासान है, विरोध के सुर, कल सूची आई है, आज भी उसके बाद आज भी लगातार विरोध हो रहा है, किस तरह देखिए? कांग्रेस कपड़ा फाड़ो आंदोलन पर उतारू है। सर माना जा रहा है कुछ मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं और कुछ को नए चेहरे को मौका मिल सकता है, सूची का इंतजार करो। तो बिल्कुल खासतौर से अब इंतजार खत्म होने वाला है, कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कि लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सहयोगी कारण तमाम दिग्गज नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही बीजेपी के 94 नाम आपके सामने होंगे। अश्विनी सिंह के साथ। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप, वो भी यही कह रहे थे कि बस अब थोड़ी देर का इंतजार, उसके बाद सभी के सामने बीजेपी की पांचवी सूची होगी। हालांकि मंत्रियों के टिकट कटने पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार जो है करना रहेगा। और चलिए बीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी की अंतिम सूची का इंतजार खत्म हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। सर अब अंतिम दौर इंतजार खत्म जल्दी ही आ रही है, पूरे इंतजार खत्म जल्दी आ रही है सभी नामों पर लगभग सभी। देखिए बिल्कुल खासतौर से 94 सीटें बची और माना जा रहा है बहुत जल्द जिस तरीके से तमाम जो नेता है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, चाहे प्रदेश संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, अश्विनी वैष्णव की बात हो, तमाम नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और कुछ देर में ही माना जा रहा है सूची भी जारी हो जाएगी। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा। बिल्कुल थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद सभी के सामने बीजेपी की पांचवी लिस्ट होगी। एक बार फिर से मैं मनोज जी का रुख करना चाहूंगी, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। मनोज जी जिस तरीके से हमने सुना नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि इंतजार थोड़ा और करना है मंत्रियों के टिकट कटने का, जब सवाल उनसे पूछा गया तो हालांकि कुछ कहा नहीं, इंतजार की बात उन्होंने कही। देखिए उन्होंने एक तरह से हमारी बात पर, बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगाई, कुछ नहीं कहना भी ये बताता है कि जो हम कह रहे हैं वो, यानी करीब 3 मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं,
जो चेहरे हम बता रहे हैं, एक दर्जन विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं, जिसमें से हो सकता है कुछ विधायक टिकट कटे लेकिन उनके जगह उनके परिवार के लोगों को मौका दे दिया जाए, क्योंकि महिला जो आरक्षण की बात 33% की गई है उसको भी देखना है। तो उसमें हो सकता है कि जैसे यदि कोई विधायक है, वर्तमान विधायक है, तो उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए, यानी उसी परिवार में टिकट जाएगा। अभी भी देखिए आप जिस सूची की हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार मेरे पास सिद्धार्थ तिवारी की हम बात कर रहे हैं, हाल ही में है बारह सिवनी से हम बात कर रहे हैं, प्रदीप जसपाल दिखाई दे सकते, सचिन बिरला जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे इस सूची में नजर आने वाले हैं, जो बड़भा से आते तो सचिन बिरला को टिकट मिलने जा रहा है। इसी तरह हम बात करें महेंद्र सिसोदिया, तो जिनके ऊपर तलवार ऐसी चर्चा थी लेकिन नहीं, काला पीपल या महेंद्र सिसोदिया, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, ये सब वो मंत्री हैं जो फिर से सूची में नजर आने वाले। नीमच से टिकट रिपीट हो रहा है। हम बात करें 5 नंबर विधानसभा इंदौर की, वहां से टिकट होते हुए दिखा दे रहा है। चौधरी मुकेश चतुर्वेदी को टिकट मिल सकता है। महगांव से जो राकेश चतुर्वेदी के भाई है, जिन्हें कांग्रेस ने हाल ही में भिंड से टिकट दिया है। उसी तरह हम बात करें तो कुछ और नाम, शिशुपाल जो हाल ही में चुनाव लड़े थे, उपचुनाव हुआ था, वहां से वो जीतकर सामने आए थे, तो फिर वही चेहरा। तो कुल मिलाकर करीब करीब, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा मुश्किल 15-20 मिनट आधे घंटे इंतजार करना होगा, थोड़ी देर में सूची होगी। जिस तरह आपने लिस्ट बताई उस पर मुहर लगेगी। आपके पास मैं लौटूंगी मनु जी। बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ सूरज लाइव जुड़ गए, जरा उनका रुक कर लेते हैं। सूरज, बस थोड़ी देर का इंतजार, उसके बाद सूची सभी के सामने होगी। फिलहाल क्या अपडेट लिस्ट को लेकर और किस तरीके की हलचल बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल प्रसाद, हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है, खासतौर से प्रदेश समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे, अश्विनी वैष्णव, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच गए और अब जिस तरीके से बातचीत भी की थी, कुछ देर बाद ही सूची जारी हो सकती है, जिसमें कुछ प्रमुख सीटों की बात करें तो खासतौर से दक्षिण पूर्व जो ग्वालियर की सीट है, वहां से पूर्व मंत्री माया सिंह को दोबारा मौका मिल सकता है। महगांव से यदि बात करें तो चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी का लगभग नाम तय माना जा रहा है। बमोरी से महेंद्र सिसोदिया। इंदौर 5 की बात करें तो महेंद्र आडिया को लेकर चर्चा है और लगभग सहमति बन चुकी है, उनका नाम भी वहां से हो सकता है। मांधाता से यदि बात करें तो नारायण सिंह पटेल और सचिन बिरला, बड़वा से खासतौर से जो अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। आलोट से माना जा रहा है पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय पर बीजेपी दाव लगा सकती है। इसके साथ ही भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट की बात करें तो सिद्धि वोटर्स को साधने के लिए माना जा रहा है कि एक नया नाम संगठन की तरफ से हो सकता है, संभवतः भगवान दास शवनानी को मौका मिल सकता है, और जिस तरह की खबरें हैं कि लगभग उनके नाम पर भी सहमति बन चुकी है। इसके अलावा गोलू शुक्ला इंदौर 3, जहां से खासतौर से पिछली बार इस बार आकाश विजयवर्गीय को मौका मिला था पिछले चुनाव में, इस बार पिंटू जोशी जो कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके सामने गोलू शुक्ला उम्मीदवार हो सकते हैं, तो बहुत जल्दी ये सूची आ सकती है। माना जा रहा है कि 2 सीटों पर जैसे कि हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि सभी सीटों पर होल्ड टिकट फाइनल किए सकते हैं, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिन जी मनोज जी जी मनोज जी सूरज जो आप इसमें हलचल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, क्या ये माना जाए कि अगले आधे आधे पौन घंटे में हमारे सामने सूची होगी? क्योंकि मेरे पास जो खबरें हैं, बामुश्किल आधे घंटा इंतजार करना पड़ेगा। दर्शक बंसल न्यूज पर बना हुआ, हर पल पल की हम खबरें दे रहे हैं, जो संभावित नाम है उनका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। लगभग 1 दर्जन विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, 3 मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं, लेकिन हलचलें क्या कह रही और कितना इंतजार करेंगे हम, क्योंकि जो खबरें आ रही वो तो बामुश्किल आधे घंटे का इंतजार करना होगा दर्शकों। देखिए इंतजार खत्म हो चुका है और लगभग कभी भी सूची आ सकती है, कि जिस तरीके से नेताओं का कहना है कि हमारी तमाम नामों पर सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द, तो इसका मतलब ये है कि अब कभी भी सूची आ सकती है। हो सकता है हम बातचीत करें उसके बीच में सूची आ जाए 5-10 मिनट बाद, क्योंकि लगभग अब तय हो चुका है, कोई भी कहीं भी किसी प्रकार कोई संशय नहीं है, तो अब सिर्फ सूची है जो बहुत जल्दी आ सकती है। यही कारण है यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूँ तो पूरा जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर तमाम अलग अलग स्थानों से लोग पहुंचे हैं, वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। गहमा गहमी भी लगातार बढ़ चुकी है और तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं वो स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, अब कभी भी सूची आ सकती है। तो मनोज जी बहुत जल्द जो इंतजार है 94 उम्मीदवारों का, लगभग वो जो कहीं ना कहीं संशय था कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कल की रात भी भारी हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से बैठक चल रही थी माना जा रहा था कि अब सूची आ सकती है, तो लगभग वैसे ही है। बानवे लोगों की सूची रहेगी, 2 नाम इसमें होल्ड किए जाएंगे। देखिए बिल्कुल 2 सीटें होल्ड कर सकते हैं जी, जिनको लेकर माना जा रहा है, तो विदिशा इसमें किस कोई नया चेहरा हो सकता है, दूसरी गुना जी। सूरज आप अपनी बात कंप्लीट करिए।
देखिए दो सीटों को लेकर अभी भी संशय है कि दो सीटों को शायद होल्ड किया सकता है। एक तो गुना, वहां से माना जा रहा है कि कोई वरिष्ठ नेता, जिस तरीके से हमने पहली सूची में नाम देखे थे कि दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था, शायद यही कारण है कि गुना को अभी होल्ड किया सकता है और वहां से कोई बड़ा नेता ग्वालियर चंबल से शामिल हो सकता है। हालांकि नाम की संभावना भी है, लेकिन चूंकि अभी नाम बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि अभी विचार विमर्श चल रहा है और यदि सीट होल्ड होती ठीक नहीं होगा, अभी सूरज कुछ नामों का सामने हो सकता है। वहीं विदिशा की जी 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 और दूसरी सीट विदिशा भोपाल से लगी हुई सीट है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि होल्ड किया सकता है। तो दो सीटें संभवतः होल्ड हो सकती हैं, 92 सीटों पर बहुत जल्द जो सूची है वो सामने आ सकती है। मनोज जी बिल्कुल, मनोज जी तो जिस तरीके से बिल्कुल सूरत देखिए निगाह बनाए रखिए और जो भी तस्वीरें हमारे सामने आएगी जी बताएंगे, लेकिन जो खबरें आ रही देखिए उसके मुताबिक बामुश्किल आधे घंटे के लगभग आपको इंतजार करना पड़ेगा और किसी भी पल आपके सामने आप बंसल न्यूज की तस्वीरों पर बने रहिए, बंसल न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आप बने रहिए, हर पल जो खबरें हम कह रहे हैं, जो नाम आपको दिखाई जा रहे हैं वही नाम सूची में नजर आएंगे। हाँ अभी कुछ कम नाम दिखा रहे हैं लेकिन लगभग 92 नाम इस सूची में नजर आने वाले। लगातार बंसल न्यूज सुबह से सबसे पहले इस खबर को बनाया हुआ है कि आखिर कब सूची आएगी, इसमें नाम किसके होंगे। तो एक दर्जन के लगभग विधायकों के टिकट करने जा रहे हैं, कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ परिवार के विधायक के टिकट काटे जाते तो उनकी जगह उनकी श्रीमती दिखाई देंगी। कुल मिलाकर अब सूची आने वाली है जी। बिल्कुल मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ और जिस तरीके से लगातार हम कह रहे हैं सबसे पहले बंसल न्यूज पर अब आपको दिखाएंगे बीजेपी की पांचवी सूची, क्योंकि सुबह से हम हर एक खबर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ, सूरज भी हमारे साथ बने हुए, आप भी बने रहिए। तो देखिए अब से थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद बीजेपी की पांचवी सूची हमारे सामने होगी, कौन सी वो सीटें होगी। क्योंकि देखिए दो सीटें सिर्फ होल्ड की जा रही है ऐसी खबरें सामने आ रही है और वो दो सीटें भी आपको बताएगी कि कौन सी वो सीटें हैं और क्यों होल्ड की गई है। लेकिन बड़ी खबर यही कि अब से थोड़ी देर बाद इंतजार खत्म होने की ओर है उन उम्मीदवारों का भी जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनका नाम सामने आएगा लिस्ट में। और चलिए एक बार फिर से सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज आप जिस तरीके से बता रहे थे बीजेपी कार्यालय में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई, थोड़ी ही देर का इंतजार दो सीटें होल्ड, लेकिन जो बाकी की सीटें हैं वहां पर जो प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं उनकी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है। तो चलिए सूरज से फिर जी सूरज आया है नरेंद्र सिंह तोमर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं, बहुत जल्द सूची आ सकती है। पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रदेश मंत्री हमारे साथ है पारस जी, उनसे बात करेंगे। सर जिस तरीके के अभी बयान आया है सबकी धड़कनें बढ़ने वाली कि क्या होने वाला सूची। नहीं धड़कनें नहीं बढ़ने वाली, उत्साह बढ़ने वाला है क्योंकि सूची फाइनल होने के बाद कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर मिलेगा, कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं, धूला आ जाएगा, बारात शुरू हो जाएगी, वरमाला भी होगी और जो है एक नामांकन भी होगा। देखिए जिस तरीके से माना जा रहा है कि जो खबर भी चल रही है कि दो सीटों को होल्ड कर सकते हैं, एक तो गुना जहां से एक वरिष्ठ नेता को मौका मिल सकता है, हालांकि अभी कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और दूसरी सीट विदिशा। नहीं अब देखो क्या होल्ड होगा क्या जारी होगा ये तो अभी समय के गर्त में है, अभी जल्दी आने वाला, मुझे लगता है कि आज शायद उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उसको होल्ड करना कहते हैं या और विचार विमर्श करना, हमें हर सीट को जीतना है इसके लिए पार्टी काम कर रही है। इस तरीके से हमने देखा पहली सूची में तमाम दिग्गज नेताओं को मौका मिला, अभी दूसरी सूची आने वाली तो ऐसा कुछ चौंकाने वाला फिर से देखने को मिलेगा, या तो दिग्गज नेता हो सकते हैं या कुछ नए चेहरे। देखो भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता दिग्गज होता है और वो जिन्हें आप नेता कहते हो वो भी अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं, इसलिए किसी कार्यकर्ता की क्षमताएं कम होती हैं किसी की ज्यादा होती हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है इसलिए हम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, जीतने वाले कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम को लेकर बड़ी चर्चा है, काफी दावेदार, लेकिन एक बहुत नया नाम संगठन से जुड़े व्यक्ति को मौका मिल सकता है। नहीं भोपाल दक्षिण भी हमें जीतना है, उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो सकता है वो पार्टी जरूर करेगी। तो बिल्कुल प्रशंसा लगभग बोलो आप वही है बिल्कुल बिल्कुल सूरज, कोई आप पर पार्टी नहीं लेना चाहती है, जिताओ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। फिलहाल सूरज आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मनोज जी आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से इंतजार हो रहा है बीजेपी की पांचवी सूची का, थोड़ी देर बाद बीजेपी की पांचवी सूची हम सभी के सामने होगी। लेकिन